हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव आपका एक और नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो चाहती है कि उसका होने वाला बेबी हेल्दी हो, और आपके बेबी के हेल्थ को समझने का सबसे अच्छा तरीका उसका हर महीने का वजन देखना होता है। ऐसे में अगर आपका डॉक्टर आपको बताता है कि आपका बेबी अंडर वेट है तो समझ जाइए कि आपकी प्रेगनेंसी में या तो कोई कॉम्प्लिकेशन है या फिर आप अपने खान पान का ध्यान सही से नहीं रख रही हैं, जिसकी वजह से आपके बेबी का जो वजन है वो कम है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिसकी मदद से आप अपने बेबी का वजन बढ़ा सकती हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपका बेबी अंडर वेट है तो आपके डॉक्टर आपको क्या क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप मेरा ये वीडियो पूरा जरूर देखें। प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रेगनेंसी में बेबी का वेट कई चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी में खान पान कैसा है, या फिर आप प्रेगनेंसी में ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करती हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो भी बेबी का वेट जो है वो कम हो जाता है, या फिर आपकी पिछली प्रेगनेंसी लो बर्थ वेट वाली प्रेगनेंसी थी, या फिर आपकी उम्र 17 साल से कम या फिर 35 साल से ज्यादा है, तो इन केसेस में भी बेबी का वेट जो है वो कम रहता है। अब इनमें से एक चीज तो आप ठीक कर ही सकती हैं, वो है आपका खान पान। तो चलिए बात करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी में क्या क्या खाना चाहिए। अगर आपका बेबी अंडर वेट है तो डॉक्टर आपको प्रीनेटल विटामिन्स दे सकते हैं, जिसके अंदर फॉलिक एसिड, डीएचए और विटामिन्स होते हैं, जो कि प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही आपके बेबी के वेट को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये विटामिन्स प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर अंत तक दिए जा सकते हैं, और आप अपने डॉक्टर से इनके बारे में एक बार पूछ सकती हैं, और अगर वो ये कहते हैं तो ये विटामिन्स आपको रोजाना लेने चाहिए ताकि आपके बेबी की डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके। दूसरा है आयरन और प्रोटीन का भरपूर सेवन। प्रेगनेंसी के दौरान आयरन और प्रोटीन दो चीजें जिनका आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में इन सभी की कमी होगी तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम होता जाएगा, जो कि अच्छा नहीं होता। ऐसे में आप अपनी बॉडी में आयरन की पूर्ति के लिए चने खा सकती हैं, हरे पत्तीदार सब्जियां खा सकती हैं। इनमें आपको भरपूर मात्रा में आयरन मिलता है, और आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी ना हो इसके लिए आप रोजाना दाल खाना शुरू कर दें, क्योंकि दालों के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी में काफी मदद करते हैं। अगर आपको दाल लेना पसंद नहीं है तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली ये सप्लीमेंट्स दूध के साथ लिए जाते हैं, लेकिन अगर आपको दूध पीना भी बिल्कुल पसंद नहीं है तो फिर आप एक बार डॉक्टर से बात कर सकती हैं, वो आपको ऐसे सप्लीमेंट्स बता देंगे जिन्हें आप जूस के साथ भी ले सकती हैं। इससे आपके शरीर में आयरन और प्रोटीन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा डॉक्टर आपके आयरन की गोलियां भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप हरे पत्तीदार सब्जियां खाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो नेचुरल तरीका है आपके बॉडी में आयरन के लेवल को बढ़ाने का। तीसरा है कैल्शियम भरपूर मात्रा में लें। बच्चे के वजन के साथ साथ बच्चे की हड्डियां मजबूत होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी जिसमें आपको कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिल रहा हो। इसके लिए आप क्या कर सकती हैं, आप दूध ले सकती हैं, बट अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो फिर आप दही भी ले सकती हैं। एक तो दही से आपको कैल्शियम और मिनरल्स मिलेंगे, साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन की समस्या से भी आपको आराम रहेगा। तो अगर हो सके तो आप दूध या फिर बनाना से खूब पिए, क्योंकि केले में भी बहुत सारे मिनरल्स और फाइबर होते हैं जो कि आपके बेबी के वजन को बढ़ाने में आपकी काफ़ी मदद करते हैं। अगर आपको ये सब पसंद नहीं है तो डॉक्टर आपको कैल्शियम की गोलियां भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। चौथा, आपको ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, किशमिश, काजू या फिर अंजीर, ये सब आपको खाने पड़ेंगे, क्योंकि इन सभी के अंदर आयरन और मिनरल की भरपूर मात्रा होती है। और बादाम तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान लेना ही चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में आयरन होता है। किशमिश और अंजीर को थोड़ा कम खाएं, क्योंकि इनमें काफ़ी मात्रा में शुगर होता है, जिससे आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बादाम खाने के लिए आप शाम को 4 से 5 बादाम भिगोकर रख दें, और सुबह इनका छिलका उतार कर इन्हें खा लें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान छिलका पचाने में आपकी बॉडी को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप इनका सेवन करना ना भूलें। अगर आप ये नुस्खे आजमाएंगी तो आपका बेबी का वजन जरूर बढ़ जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई कर सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।